आप देख रहे हैं सिटी न्यूज जैतारण। जैतारण शहर की खबरों को देखते रहिए। जैतारण शहर में आज मंगलवार को शहर के पंचायत समिति सभागार में जिला कलेक्टर दिनेश चंद जैन व पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा की मौजूदगी में होली के पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर दिनेश चंद जैन ने कहा कि आमजन को शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। साथ ही पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने आमजन से शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। वहीं साथ ही इस मौके पर उपखंड अधिकारी डॉक्टर भास्कर बिश्नोई ने भी कहा कि बिना आमजन के सहयोग के प्रशासन अकेला कुछ नहीं कर सकता है। वहीं पुलिस उप अधीक्षक सुरेश कुमार ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को पुलिस का सहयोग करना चाहिए। बैठक के दौरान शांति समिति के सदस्यों ने शहर में फैले अस्थायी अतिक्रमण हटाने की मांग की। बैठक में थाना अधिकारी सुरेश चौधरी, तहसीलदार सुरेश कुमार, विकास अधिकारी महेंद्र सिंह मेहता सहित शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। सिटी न्यूज जैतारण से दिनेश कछवा की रिपोर्ट। 5 अप्रैल में विभिन्न त्योहार जो है वो आएंगे और मनाए जाएंगे, उस संदर्भ में ये बैठक रखी गई थी और यहाँ इस बात की चर्चा की गई थी किसी भी तरह का यदि किसी का कोई अप्रिहेंशन हो, सोशल मीडिया पे आने वाली कोई बातें हों तो उसको तत्काल जो है प्रशासन के ध्यान में लाए और शांतिपूर्वक सभी जो हमारे त्यौहार हैं आने वाले समय के सभी लोग मिल मिलकर बहुत अच्छी तरह से उनको मनाएं, क्योंकि उनके तुरंत बाद यहाँ पर सभी समाजों की गैर मिलती हुई और हनुमान जयंती तक कई सारे त्यौहार बीच बीच में आते रहेंगे, तो उस दृष्टि से आज का ये सब चर्चा की गई थी और जैसा सब लोगों ने आश्वासन दिया कि सभी दिन और सभी लोग शांतिपूर्वक और उल्लास से अपने सब त्यौहार मनाएंगे, इसलिए आने वाले समय में ऐसा नहीं लगता किसी तरह की कोई अप्रिहेंशन होगा। पर फिर भी जाब्ते के तौर पर ये बैठक रखी गई थी, सभी प्रशासन के लोग मुस्तैद रहेंगे ताकि किसी तरह की अनहोनी घटना नहीं।